पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि। अटारी आप पे चढ़ गए हो भाई। एक गाना है पूरा तो मुझे याद नहीं मगर अटरिया पे चढ़ गए हो रे, शायद कबूतर को बोलते हैं कि अटरिया पे चढ़ गए हो रे। ये जो कहते हैं कि वो कहाँ बैठा है, अजी वो तो अटरिया पे बैठा है, वो तो अट्टे पे बैठा है, वो नहीं आएगा उतर के। किसी का दिमाग खराब हो जाए या बहुत ज्यादा बनावट आ जाए या ईगो आ जाए तो कहते भैया वो तो अट्टे पे बैठा है, अटरिया पे बैठा है, वो नहीं उतरेगा। इसका मतलब वो ऊंचाई पे बैठा है। ये जो अट्ट शब्द है ये भगवान बुद्ध से पहले का समय है, पाली का जो शब्द है, पाली पुरानी भाषा, आज के समय हम पाली बोलते हैं, उस समय ये कौसली भी हो सकती है, मगधी भी हो सकती है, प्राकृतिक नेचुरल भाषा तो है ही। और इसके अलावा इसको अशोकी भी बोलते हैं, धमलिपि की भाषा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं, आज के समय पाली बोलते हैं, हिंदी भी पाली ही है। तो अट्ट जो शब्द है उसका मतलब है छत, मकान की छत या मकान की मंजिल, यानी कि जो मकान बना है उसके ऊपर के हिस्से को अट्ट बोलते हैं। इसको अटरिया बोलते हैं, अट्टालिका भी बोलते हैं, यानी अट्ट से बहुत सारे शब्द जुड़ जाते हैं। अट्टक है, अट्टाल है, अट्टालक है, अटरिया है। तो मकान के ऊपर जो कमरा बना होता है उसको कहते हैं अट्ट, यानी अटरिया पर बैठा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोएडा के अंदर एक अट्टा मार्केट है। नोएडा वाले खासतौर से, दिल्ली वाले खासतौर से इस बात को ध्यान दें, अट्टा मार्केट बड़ी फेमस मार्केट है, फेमस बाजार है। तो जब हम वहां जाते हैं तो कई बार कहते हैं कहां गए हैं कि अट्टा मार्केट जा रहा हूं। तो अट्टा मार्केट मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता था, तो मैंने इसको ढूंढा तो पता चला कि ये तो बहुत पुराना गांव है, भगवान बुद्ध के समय से भी पहले का है, यानी कि ये बुद्धिस्ट लोग बाद में रहे होंगे, पाली वाले लोग रहे होंगे। गांव के नाम नहीं बदलते इतने आसानी से, बड़े बड़े शहरों के नाम तो हर 10-20-30 साल में बदल जाते हैं, मगर गांव, क्योंकि 5-6 लाख गांव है पूरे भारत में, और उस समय जो महाभारत था अशोक का, उस समय तो ये और भी ज्यादा होंगे क्योंकि ईरान से लेके बर्मा तक कितने गांव अभी हमारे हाथ से जा चुके हैं। तो वो गांव के नाम और गांव के अंदर जो पुरानी परंपराएं चलती हैं उनके नाम नहीं बदलते, कौन बदलेगा, छोटे 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 होते हैं, उनसे पाली मिल जाती है, उनसे बुद्ध मिल जाते हैं, उनसे बुद्ध का साहित्य मिल जाता है। तो जब आप कभी अट्टा मार्केट जाएं या आप सर्च करें कि अट्टा है या अटरिया पे कबूतर आ जाए या अट्टे पे कोई बैठा हो, तो ये जान लें कि ये पुराना पाली का शब्द है, शब्द है जो अभी तक भी चल रहा है, और ये पाली का ही गांव है, बुद्ध का ही पूरा पूरा गांव है, क्योंकि बुद्ध के समय के गांवों को नाम बदलने की कोशिश की जाती है, कई बार उनका अपभ्रंश किया जाता है, कई बार उसमें कुछ जुड़ जाता है, समय के हिसाब से घट जाता है कई बार, मगर मेन जो मूल है, जो धातु है, उसका जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो कहीं नहीं जाता, वो मिल जाता है। जो भाषा के वैज्ञानिक होते हैं वो ढूंढ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अट्टा पे कबूतर बैठा है या आप अट्टे पे बैठे हैं, एक बार जरा अपने घर की छत को एक बार अट्टा कह के देखिए, आपको पाली का दर्शन होगा, बुद्ध की भाषा का दर्शन होगा। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं।
धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Single.